खबर अलवर से है, जहां श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने उमरैन पंचायत समिति से जरूरतमंदों के लिए राशन सामग्री से भरे हुए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मंत्री जूली ने इंदौक और कुशालगढ़ में मनरेगा कार्यों का अवलोकन भी किया। इसी के साथ ही बीडीओ को श्रमिकों के लिए पानी और छाया की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने मनरेगा श्रमिकों को मास्क भी वितरित किए। इस मौके पर एसडीएम योगेश कुमार डागोर, तहसीलदार अनुराग हरित समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। आज फिर से जो हालात पैदा हुए हैं कोरोना की वजह से, तो जो हालात बनी है, अर्थव्यवस्था एकदम ही पटरी से उतर गई। हालात ये है कि सरकारों के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि नरेगा के काम अधिक से अधिक हो, ताकि गाँव के अंदर पैसा आए। ये पैसा सीधा गाँव का जो व्यक्ति है उसकी जेब में आ रहा है, इसलिए हमने प्राथमिकता यही रखी है कि नरेगा के अंदर अधिक से अधिक काम स्वीकृत हो, अधिक से अधिक लेबर लगे, ताकि इन लोगों को जीवन यापन में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आए और सीधा पैसा इनकी